हेलो एवरीवन, सो आई वेलकम यू ऑल टू द लॉजिकल कॉम्पिटिटर्स। तो जैसा आपको पता है कि सुबह से काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि जो मार्क्स हैं आप लोगों के वो जो है वेबसाइट से फिर से हटा लिए हैं। ठीक है, जैसा आपको पता है कल शाम को 6 बजे RRB ने मार्क्स आपके डिक्लेयर कर दिए थे, लेकिन अभी हुआ यह कि आज सुबह से मार्क्स जो है वो हटा लिए गए हैं। मतलब अब आप अगर ओपन करते हो तो आप खुद के मार्क्स को नहीं देख पाते, तो इन सब का क्या मतलब हो सकता है। ठीक है, तो इससे पहले कि हम इस वीडियो को शुरू करते हैं, अगर आप चैनल पे नहीं हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना एंड शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। तो देखो, अगर एक जो एक्सपेक्टेड चीज़ ये हो सकती है कि शायद RRB ने फिर से गलत मार्क्स लोगों को दे दिए हैं। ठीक है, मैं भी सबके ना दिए हूँ, कुछ लोगों के दिए हूँ। अभी काफ़ी लोगों की ये अपडेट्स आ रही थी, इन्फॉर्मेशन आ रही थी कि क्वेश्चन पेपर में 3 दिखा रहा है इग्नोर्ड क्वेश्चंस, और स्कोर कार्ड में 4 दिखा रहा है, या फिर क्वेश्चन पेपर में 4 दिखा रहा है उसमें 3 दिखा रहा है। मतलब अभी भी डिस्पैरिटी थी काफ़ी ज़्यादा, तो हो सकता है कि RRB ने इस चीज़ को देखा हो, या फिर उन्होंने अपनी प्रोग्रामिंग में फिर से कुछ एरर्स बग्स फिक्स करने का उन्होंने प्रोसेस स्टार्ट किया हो, जिसकी वजह से मे बी कि फिर से आपका स्कोर कार्ड देखिए। मैं 100% नहीं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कि स्कोर कार्ड चेंज होगा ही होगा, हो सकता है कि कुछ शिफ्टों में फिर कुछ लोगों का स्कोर कार्ड फिर से आपको अधिक नंबर 2 नंबर का चेंज देखने को मिलेगा, लेकिन रिजल्ट रिवाइज्ड हो इसको लेकर के आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना ही ऐसा हो सकता है। इस बात के चांसेस काफ़ी कम हैं कि रिजल्ट आपका अब चौथी बार आएगा। ठीक है, मे बी कि थोड़ी बहुत कोई दिक्कत हो, थोड़ी बहुत कोई इशू हो, कोई सर्वर की दिक्कत हो, वो रिजॉल्व कर दी जाएगी। और फिलहाल अभी इसको लेकर कोई टाइम की अपडेट नहीं, लेकिन आप शाम तक ये मानिए कि शाम तक आपको फिर से जो स्कोर कार्ड है वो खुलने लग जाएगा, या फिर कोई और इन्फॉर्मेशन होती तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे दी जाएगी। ठीक है, अब अगर आगे आपको देखना हो तो आप यहाँ पर स्कोर कार्ड देख सकते हो, जैसे मैंने खुद का ही खोला हुआ है। तो अब यहाँ पे देखो, आप सिर्फ को सिर्फ ना तो कहीं आपको यहाँ पे पार्ट ए दिखेगा और ना कहीं पे पार्ट बी। ठीक है, सिर्फ 2 ही ऑप्शन आपको मिलेंगे, एक मास्टर क्वेश्चन पेपर का और एक कैंडिडेट रिस्पांस की का। इसके अलावा आपको स्कोर कार्ड का कोई यहाँ पे लिंक नहीं मिलेगा, ना इधर पार्ट ए नॉर पार्ट बी। तो ये आप इसको लेकर परेशान मत होइए, थोड़ा सा वेट करिए शाम तक का। मे बी की दिक्कत इनके सर्वर की ही होगी, मुझे नहीं लगता कि ये बार बार रिजल्ट देंगे, वो काफ़ी ख़राब बात है, हर बार रिजल्ट में 15 दिन लगते हैं, तो अब अगर फिर होता तो काफ़ी डिले हो जाएगा। तो हो सकता है कि उनकी कुछ सर्वर की दिक्कत है या फिर कोई और इशू आ गई होगा कुछ करने में। तो आप शाम तक का वेट करिए, आपका जो भी इशू है वो सब रिजॉल्व कर दिया जाएगा। तो ठीक है, फिर मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। टिल देन, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।